अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों इस समय की एक सबसे बड़ी अपडेट आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर स्टे संबंधी पोस्ट हुई अपडेट। नवीन अपडेट के दोस्तों अनुसार भर्ती पर नहीं हुआ स्टे, सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों नवीन आधिकारिक सूचना यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए दो पोस्ट है यहाँ पर, एक देख रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर कोई भी स्टे नहीं लगा है, और दोस्तों दूसरी पोस्ट में आप देख रहे होंगे स्टेटस में यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया था स्टे को लेकर। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो स्टेटस आप यहाँ पर देख रहे हैं प्रेजेंट, ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों स्टेटस में कहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो मतलब दोस्तों इस केस में अभी तक किसी भी प्रकार का स्टे नहीं लगा है। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, जो छात्र 90-97 पर पास होकर नौकरी पाना चाह रहे थे, तो अब दोस्तों आपकी भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर रोकी नहीं जाएगी। लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिसमें दोस्तों हमने टीम रिजवान अंसारी की तरफ से जारी हुई ऑडियो क्लिप्स आपको सुनाएंगे, टीम सीतापुर की ऑडियो क्लिप्स आपको सुनाने वाले हैं। अगर आप 40-45 के सपोर्टर है तो भी दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, 60-65 टीम की तरफ से तो भी, क्योंकि दोस्तों हमने सभी वीडियोस को मतलब जितनी भी अपडेट्स आज की थी कोर्ट मैटर को लेकर सारी अपडेट्स को हमने इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। फिलहाल इस समय इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करके बता दीजिए कि दोस्तों आज की भर्ती प्रक्रिया पर किसी भी प्रकार का अभी तक कोई भी स्टे नहीं है, मतलब दोस्तों भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर रोकी नहीं जाएगी। लेकिन दोस्तों शिक्षा मित्रों को लेकर एक और बड़ी अपडेट आई, यहाँ पर आपने देखा होगा दोस्तों उनके नाम मांगे गए, लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 21 मई 2020 की पूरी सुप्रीम कोर्ट अपडेट, बीएड वर्सेस डीएलएड वर्सेस शिक्षा मित्र। तो दोस्तों आज का जस्ट आपका जो बड़ा फैसला था उसको देखेंगे, और दोस्तों देखेंगे आज, जानिए आज क्या हुआ कोर्ट में। फिर दोस्तों बात करेंगे सीतापुर टीम अपडेट और टीम रिजवान अपडेट, ठीक है, 40-45 वर्सेस 60-65 को लेकर। और देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट, स्टे नहीं, अगली डेट दोस्तों 14 जुलाई 2020 की लगी। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर स्टे कर दिया टीम रिजवान अंसारी। तो दोस्तों यहाँ पर हम दोनों अपडेट्स को देखेंगे, एक में ये कहा जा रहा है कि अब तक शिक्षक भर्ती में स्टे लग चुका है, और कुछ अपडेट्स में ये कहा जा रहा है कि अभी तक शिक्षक भर्ती में स्टे नहीं लगा। एक और डाउट दोस्तों आपके मन में होगा कि क्या बीटीसी बीएड को 60-65% पर और शिक्षा मित्र को 40-45% पर नौकरी मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, और आपको हम इस वीडियो में टीम सीतापुर की जो ऑडियो क्लिप है उसको भी हम सुनाने वाले हैं। तो सब कुछ हम दोस्तों आपको बताएंगे इस वीडियो में, शुरू से लेकर आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, कोई भी पार्ट को दोस्तों आपको मिस नहीं करना है, नहीं तो हो सकता है कि कुछ आप मिस करेंगे फिर कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए हम एक एक करके आपको सब कुछ सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों टीम रिजवान की ऑडियो क्लिप भी आपको सुनाएंगे, टीम सीतापुर टीम की भी ऑडियो क्लिप सुनाएंगे। सबसे पहले दोस्तों आज आखिर केस में क्या हुआ शुरू से लेकर आपको अंत तक बताते हैं, उसके बाद दोस्तों हम ऑडियो क्लिप्स को देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले दोस्तों आज हमारी केस की सुनवाई शुरू होती है, और दोस्तों केस की सुनवाई लगातार जारी रही स्टार्टिंग में। फिर देखिए मुकुल रोहतगी बहस कर रहे हैं, सबसे पहले कितने शिक्षा मित्र अपॉइंट हुए फर्स्ट रिक्रूटमेंट में, जस्टिस यूयू ललित, ठीक है। फिर देखिए मुकुल रोहतगी की तैयारी दोस्तों नहीं, इसके जवाब में उन्होंने 20,000 शिक्षा मित्रों का चयन होना बताया, कहीं पर दोस्तों 30,000 बताया गया। फिर देखिए व्हाट इज एसेंशियलिटी टू रिक्रूटमेंट इन पैंडेमिक, गोपाल सुब्रमण्यम। फिर दोस्तों ये था फिर आकाश पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस नंबर, ये दोस्तों के ऑब्जेक्शन पर बहस शुरू, बीएड नॉट अ क्वालिफिकेशन, सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे। फिर दोस्तों मुकुल सर से द रूल इज चेंज माई लॉर्ड आफ्टर द एग्जाम, यू कैन नॉट गो ब्लाइंड इन द एग्जाम, गोपाल सुब्रमण्यम को देखकर दोस्तों यू ललित साहब बेहद कन्विंस। फिर देखिए रेस्ट्रो इंस्पेक्टिव अमेंडमेंट 23, 24, 25 इज नॉट परमिसिबल इन दोस्तों ATR 19, दुष्यंत दुबे, ठीक है। फिर देखिए क्या हुआ, कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से पुनः चयनित शिक्षा मित्रों की संख्या पूछी, फिर 8,018 बताई गई, रोहतगी साहब 20,000 बता रहे थे, कैसी तैयारी है भाई। फिर पूर्व की बात ही दोस्तों ट्रेन अनट्रेन और NCT के फैसले को अनावश्यक साबित करने का प्रयास विपक्ष द्वारा जारी है। फिर अमेंडमेंट पर बहस कर रहे हैं विपक्ष के वकील, कल ही दोस्तों इसकी सूचना आप सबको दी गई थी कि समस्त अमेंडमेंट पर अपनी तैयारी पूर्ण है, उम्मीद है सब अच्छा रहेगा। फिर देखिए दोस्तों 8,080 शिक्षा मित्र पास है, शिक्षा मित्रों की ही भर्ती पर अन्य लोगों की दावेदारी अनुचित है, विपक्ष के वकील। दोस्तों वैसे हम आपको क्लियर करें यहाँ पर 8,018 है, ठीक है ना, आपको पता होगा। BTC लीगल टीम अपडेट, सुंदरम सर अब विपक्ष की ओर से संभाल रहे कमान, रोहतगी सर की दलीलों से संतुष्ट नहीं है तीनों जज।
फिलहाल दोस्तों केस सकारात्मक। अपने अधिवक्ता मुस्तैद है। 69,000 शिक्षक भर्ती कटाप मामले में रामशरण मौर्य की याचिका 20 नंबर की खारिज। पैरा 246 व 66 का हवाला देते हुए राज्य सरकार को कोस रहे हैं विपक्ष के अधिवक्ता। शिक्षा मित्रों के खिलाफ स्टेट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है विपक्ष के अधिवक्ताओं के अनुसार। फिर दोस्तों देखिए, अब 21 नंबर पर गुड्डू सिंह की याचिका पर बहस चल रही है। जज साहब कह रहे हैं ऑर्डर का पैरा 94 पढ़कर सुनाइए। रोहतगी सर की दलीलों को खुद काट रहे हैं सुंदरम सर। खेल के नियम खेल के बीच में बदले गए हैं। फिलहाल दोस्तों इसी पर उनका फोकस। पैरा 94-69। फिर देखिए दोस्तों पेज 370 पैरा 104 रूल ऑफ द गेम पर बहस हो रही है। गोपाल सुब्रमण्यम सर विपक्ष की तरफ से रख रहे हैं अब पक्ष। नेक्स्ट डेट को सुनवाई दोस्तों जारी रहेगी। अब तक के हिसाब से अधिवक्ताओं की रणनीति सही दिशा में चल रही है। एक याचिका डिसमिस बीटीसी लीगल टीम। फिर दोस्तों भारांग पर न्यायालय से निवेदन की जब शिक्षा मित्रों की संख्या ही नहीं रहेगी ऐसे कटाप पर तो उन्हें दी गई छूट का मतलब ही नहीं रह जाएगा। शिक्षा मित्र विपक्ष गोपाल सुब्रमण्यम स्टार्ट रिजवान का शुरू। स्टे की मांग कर रहे हैं शिक्षा मित्र के अधिवक्ता। फिर देखिए शिक्षा मित्रों की ओर से अंतरिम राहत की मांग की जा रही है। दुष्यंत दवे की ओर से कम कुछ तो राहत देने की अपील। फिलहाल न्यायालय गंभीरता से समस्त बिंदुओं पर विचार कर रहा था। इस समय तक डिसमिस्ड याचिकाकर्ताओं के काउंसिल का हंगामा। शिक्षा मित्र के वकील स्टे करके ओपन कोर्ट हियरिंग की मांग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मेरिटोरियस कैंडिडेट को प्रभावित नहीं कर सकते हम। जस साहब योग्य कैंडिडेट को प्रभावित नहीं कर सकते हम, उन्हें चयन का अधिकार है। फिर जज साहब ने कहा। फिर स्टे की मांग कर रहे हैं दवे और सुब्रमण्यम सर। न्यायालय फिलहाल तो विपक्ष से सहमत नहीं दिख रहा है। फिर दोस्तों बात होती है बीएड योग्य नहीं है ऐसा मुकुल रोहतगी जी कहते हैं। देखिए यहाँ पर बीएड की फिर से बात चल गई। रूल दोस्तों 2x पर बहस हो रही है। फिर देखिए यहाँ पर दो गुना अभ्यर्थी तय कटाप से पे मतलब सफल है, ऐसे में योग्य अभ्यर्थियों के अधिकार का हनन कैसे सुप्रीम कोर्ट। हम इस फैसले को फर्स्ट डे ऑफ रेगुलर कोर्ट हियरिंग में रखते हैं। तीनों जज आपस में बात कर रहे हैं। जजों के बीच दोस्तों लंबी चर्चा हुई। फिर देखिए पिछले 5 मिनट से तीनों जज आपस में चर्चा करते हुए अब दुष्यंत दबे बोल रहे हैं। आर्टिकल 14 व पैरा 104 को बेस बनाकर रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं विपक्ष के अधिवक्ता। स्टे करके ओपन कोर्ट हियरिंग का दे रहे हैं सुझाव। न्यायालय ने एनसीटी को सही ठहराया बीएड पर। प्रतियोगिता समान है, आपने बीएड के सम्मिलित होने पर पहले ही क्यों नहीं आपत्ति की न्यायालय। 69,000 शिक्षक भर्ती टीम सौरभ राजपूत। फिर देखिए दोस्तों दुष्यंत दवे की ओर से कम कुछ तो राहत देने की अपील। फिलहाल न्यायालय गंभीरता से समस्त बिंदुओं पर विचार कर रहा है। 11/88 में सिंगल जज द्वारा दिए गए स्टेटस को के पहले मतलब जजमेंट को कोर्ट को दुष्यंत दवे द्वारा दिया गया स्टेटस की मांग करते हुए दवे। फिर देखिए दुष्यंत दवे से पूछ रहे हैं जज साहब व्हाई यू वांट 40-45 कटा। हाउ कैन यू से डैट 60-65 इज बैरियर। फिर पटवालिया सर अब शिक्षा मित्रों की ओर से रख रहे हैं पच। अब सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया जी आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस समय ऐसी सुनवाई चल रही थी। फिर देखिए क्या हुआ कि जज साहब ठीक है 104,460 में से 8,000 शिक्षा मित्र सफल हुए हैं, आप लोग शिक्षा के स्तर को नीचे क्यों ले जाना चाह रहे हैं। अब पटवालिया जी शुरू। 1981 सर्विस रूल पर बहस हो रही है। जब पहले ही 60-65% पर 1.4 लाख ठीक है बच्चे पास हाई तो मतलब कटाप कम क्यों कर रहे हो। यू ललित जी आनंद यादव जजमेंट पर बहस हो रही। दोस्तों आनंद यादव ऑर्डर पढ़ रहे हैं 22वें में अपेंडिक्स 1 में जो क्वालिटी पॉइंट है उनके हिसाब से बीएड की मेरिट के कोई निर्धारण नहीं हो सकता है। पीएस पटवालिया बीएड पर आ गए कि बीएड डिग्री इज ओनली फॉर ओनली ट्रेनी टीचर की बहस से कोई संतुष्ट ठीक है ना कोर्ट संतुष्ट हुई। 28 जून 2018 फिर खुला दोस्तों एनसीटी का काला चिट्ठा शुरू। अपेंडिक्स 1 पर भारी पड़ रही है। आनंद यादव पैरा 17 पटवालिया साहब की बहस से कोर्ट सहमत दिख रही है। 28 जून 2018 पर पटवालिया साहब बोल रहे हैं। 28 जून 2018 पर फिर खुला वही एनसीटी का काला चिट्ठा। बीए ट्रेनी टीचर है जूनियर बेसिक स्कूल में, मेरिट कैसे बनेगी यह बता रहे हैं क्योंकि कोर्ट ने बोला था कि हम मेरिटोरियस छात्रों को रोक नहीं सकते हैं। सूबेदार वाली रीट पर पटवालिया जी बोल रहे हैं। 24वें संशोधन को सिंगल जज के यहाँ आर्गुमेंट के बाद लाया गया
जो जजमेंट के मूल उद्देश्य को खत्म कर रहा है, बीएड विरोधी टीम। फिर आपस में चर्चा फिर से, कोर्ट 2 मिनट के लिए होल्ड हुई, तीनों जज आपस में बात कर रहे हैं। न्यूज चैनल पर ध्यान ना दे, अभी बहस जारी है। सीतापुर टीम, आर्टिकल 14 और पैरा 104 के तहत लगातार स्टे की मांग जारी। ठीक, राजीव धवन भी आ गए। अभी सिर्फ भैया रामशरण मौर्य वाली दाखिल की गई याचिका खारिज हुई है। अभी गुड्डू सिंह, बहराइच और टीम रिजवान अंसारी के द्वारा दाखिल की गई याचिका पर बहस चल रही है। जज साहब आपस में लंबी चर्चा करते हुए पटवालिया, जिनकी बहस बीएड पर। फिर देखिए, 68,500 में बीएड नहीं था, ऑर्डर का पैरा 33। राकेश द्विवेदी भी आ गए शिक्षा मित्र की ओर से। तुषार मेहता को कोर्ट ने कॉल किया, सरकार के वकील तुषार जी गायब कोर्ट से। फिर देखिए, सरकार के वकील ठीक है गायब हो गए थे। क्या तुषार मेहता आप उपलब्ध हैं सुप्रीम कोर्ट? जस साहब बोल रहे हैं, एसएलपी का पेज 141 देखने को कह रहे हैं सबको। स्टेट काउंसिल अनुपस्थित है, इसलिए अभी विपक्ष ही दिख रहा है। पक्ष आगे जुड़ने पर तुषार सर रख सकते हैं स्टेट का पक्ष। बीएड पर दोस्तों इस समय बहस जारी थी। देखिए, हर बार बीएड मुद्दा उठता है। फिर देखिए क्या हो रहा था कि मिनिमम पर बहस, आंकड़े बताए जा रहे हैं। दबे सर की बात को सीना सर ने काटकर कोर्ट के समक्ष स्पष्ट किया कि एटीआरई मात्र एक परीक्षा है, उसके अलावा अन्य प्रोसेस भी शामिल है। श्याम दीवान शुरू किए गए बीएड के बचाव में अपेंडिक्स पढ़ रहे हैं। 68,500 और 69,000 पेपर टाइप में अंतर था, पिछला सब्जेक्टिव था और अभी दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव है सीना सर। एके सीना सर टीम की तरफ से लगातार विपक्ष के गैर जरूरी तर्कों को काउंटर कर रहे हैं। तुषार मेहता सरकारी ठीक है ना, सलिसिटर गायब। जस सर 2 बार बोला, मतलब कहा है कि बीएड टीम के श्याम दीवान बहस कर रहे हैं अकेले। मेहता जी आ गए। फिर जस साहब अपेंडिक्स पर बात कर रहे हैं मेहता साहब से। कोर्ट के अपेंडिक्स 1 के क्वालिटी पॉइंट पर गणना करने पर विचार रखा, यदि ऐसा हुआ तो बीएड के लिए हो सकती है दिक्कत। वी आर सिलेक्टिंग ठीक है मेरिटेरियस कैंडिडेट मेहता, मामला उलझ रहा है। लखनऊ से प्रशांत चंद्र सर जुड़ गए हैं, संशोधन गलत साबित कर रहे हैं। तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल, अपेंडिक्स 1 के अनुसार कोर्ट संतुष्ट नहीं, बिफोर और आफ्टर एग्जामिनेशन पर बहस छिड़ गई। बहुत देर से सुनवाई चल रही है, ये केस तक मतलब बहुत पेचीदा हो चुका है। तुषार मेहता जी बहस नहीं करना चाह रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार को नोटिस जारी कर दी जाए और भर्ती गतिमान रहे। तुषार सर ने चंद्रा को रोका और कि आप कैविटर हैं, अब राजीव धवन कर रहे हैं। 14 जुलाई को दोस्तों डेट लग गई, 6 जुलाई से पहले मतलब सरकार को सारा डेटा दे आकर जज साहब ऑर्डर लिख रहे हैं। 14 जुलाई नोटिस इशू ठीक, ये सब दोस्तों, तो 14 जुलाई को दोस्तों आपकी डेट लगी है, तो ये सब दोस्तों आज हुआ है। आपकी जो सुनवाई की अगली तारीख होगी 14 जुलाई 2020 होगी। तो देखिए, आप कुछ बातें और आपको बता देते हैं, आपने जो ये सुना तो सुना। देखिए, एक और बात बात करेंगे कि यहाँ बीटीसी बीएड के क्या अपडेट है। सभी बीटीसी बीएड को जीत की बधाई, भर्ती जारी रहेगी, हालांकि शिक्षा मित्रों के पक्षों मतलब पदों को होल्ड करके रखा जाएगा। आनंद कुमार यादव जजमेंट के अनुसार शिक्षा मित्रों को 69,000 भर्ती होते ही पद से हटाया जाना था, अभी उनके निकालने पर रोक है विस्तृत ऑर्डर आने पर। कोई भ्रमित ना हो, वकीलों से प्राप्त सूचना के आधार पर ही यही ज्ञात हुआ है, ऑर्डर अपलोड होते ही सब स्पष्ट हो जाएगा। तो आप देखिए क्या होता है कि शिक्षा मित्र के दोस्तों जो पद है उनको क्या होल्ड किया जाएगा। देखिए, मेन बात दोस्तों 69,000 भर्ती से हमको लेना देना है, और बाकी दोस्तों उनकी नौकरी आगे रहेगी कि नहीं, सभी शिक्षा मित्रों की यहाँ बात नहीं हो रही है, सिर्फ दोस्तों यहाँ पर उन शिक्षा मित्रों की बात हो रही है जो कि 69,000 शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हुए हैं। उसके बाद देखिए जरा शिक्षा मित्रों की तरफ से क्या अपडेट है इसको देखते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर स्टे कर दिया है टीम रिजवान अंसारी। तो सरकार से मतलब 40-45% पर शिक्षा मित्र का डाटा वर्ग जाति अनुसार भी मांगा गया। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर स्टे कर दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षा मित्र के लिए सुखद सूचना है, जहां से जहर मिला है वहीं से जीवन भी बनेगा। तो ये दोस्तों टीम रिजवान की तरफ से अपडेट आई। उसके बाद देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट में क्या हुआ दोस्तों, इसको बिंदुवार हम लोग देखते हैं। तो ये दोस्तों आपका था 40-45, मतलब 40-45 ठीक है, आशा का दीपक जल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में डाटा मांगना ही शिक्षा मित्र की संजीवनी है। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 40-45% पर पास शिक्षा मित्र का डाटा वर्ग जाति अनुक्रमांक सहित 6 जुलाई तक दोस्तों सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध कराना है। कोर्ट वेटेज का बौर कैसे दिया जाता है यह भी बताना है। भर्ती पर कोई स्टे नहीं है, 6 जुलाई 2020 रिज्वाइंडर के बाद ही अगली डेट 14 जुलाई 2020 है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, जो लीडिंग बनने के चक्कर में थे उनके कारण तो केस खारिज हो जाता, लेकिन एडवोकेट आर के सिंह की कुशल रणनीति के कारण जो कुछ सुखद स्थिति है
आज शिक्षा मित्र की ओर से वरिष्ठ सीनियर, ठीक दोस्तों, राजीव धवन सर, विशेष बिंदुओं मतलब परीक्षा के बाद परीक्षा के पहले दोनों नोटिफिकेशन में कंट्रोवर्सी इत्यादि बिंदुओं पर बेहतरीन ढंग से शिक्षा मित्र का पक्ष रखा। ओवरऑल 40-45% शिक्षा मित्र की आशा की किरण जल रही है। बाकी शिक्षा मित्र साथियों से निवेदन है कि हमारा साथ मत दीजिए, पर उन टीमों को मजबूत ना करें जो जिस डाल पर बैठे हैं उसी को कटवा रहे हैं। तो ये सब दोस्तों बातें थी। उसके बाद दोस्तों एक और सोशल मीडिया पर एक्टिव हुआ कि ये देखिए दोस्तों केस का था ना, जो स्टे करके यहाँ दिखाया जा रहा था। तो ये सब दोस्तों आज की अपडेट्स है। अब चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करने से पहले आपको दोस्तों हम टीम रिजवान की भी अपडेट सुनाते कि उनकी तरफ से क्या अपडेट्स आई, उसके बाद दोस्तों टीम सीतापुर की तरफ से क्या अपडेट्स आई। तो आज की सुनवाई दोस्तों काफी बड़ी रही, लेकिन एक बात आपको हम इस वीडियो में क्लियर करना चाहेंगे। दो चीजें दोस्तों इस भर्ती में हो सकती है, या तो दोस्तों पूरी भर्ती प्रक्रिया को 90-97 पर दोस्तों जैसे चल रही थी वैसे ही होना दिया जाए, या दोस्तों सरकार के पास अभी पावर है, अंतरिम राहत पर 290-97 पर ही सभी छात्रों को नौकरी दे सकती है। नहीं तो दोस्तों भर्ती का दूसरा मतलब तरीका ये हो सकता है कि बीटीसी बीएड में जितने बच्चे पास हो रहे हैं उनको 90-97 पर नौकरी दी जाए, बाकी 240-45% पर शिक्षा मित्र जितने पास हो रहे हैं उनको नौकरी दिया जाए। अगर हम मानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में 40-45% पर 25,000 शिक्षा मित्र पास हो जाते हैं, 25,000 से लेकर 40,000 तक, ठीक है, कोई डेटा दोस्तों भी कंफर्म नहीं है। 40,000 शिक्षा मित्र अगर पास हो जाते हैं तो 69,000 में से दोस्तों अगर हम सीधे तौर पर 40,000 सीटें घटा देंगे तो बचेंगी कितनी सीटें हमारे पास, 29,000 समथिंग सीटें दोस्तों हमारे पास बचेंगी, ठीक है। तो ये दोस्तों एक तरीका हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन देखिए बीटीसी बीएड को 40-45% पर पास नहीं माना जाएगा, सिर्फ शिक्षा मित्रों को माना जाएगा, ऐसा तर्क हम लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार हम दोनों ऑडियो क्लिप्स को एक बार आपको सुना देते हैं, उसके बाद आप लोग, ठीक है, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि दोस्तों आप बीटीसी बीएड की भी सारी अपडेट्स देख पाए और जो टीम शिक्षा मित्र की जो अपडेट सारी उसको भी आप सुन पाए, ठीक है। मिलते हैं, और जरा वीडियो को दोस्तों लास्ट में ऑडियो क्लिप सुन के ही जाइएगा। साथियों, मैं सीतापुर टीम से हाजिर हूं आज 21 मई 2020 को लाइव अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। साथियों, जैसा कि आपको पता था, आज अपना महत्वपूर्ण केस 69,000 शिक्षक भर्ती पासिंग मार्क का केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ था। सुनवाई लगभग 1:50 पे स्टार्ट हुई ऑनलाइन, और सभी टीमों के अधिवक्ता ने जोरदार बहस करी, और अंततः जो मैं आपको बताने जा रहा हूं गौर से सुनिएगा, सरकार को नोटिस इशू हुई है और वो 14 जुलाई को अपना पक्ष रखेगी, और साथ ही साथ जितने शिक्षा मित्र 40-45 के क्राइटेरिया में पास हैं उन सभी का नेम प्लस रोल नंबर के साथ सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है पूरा ब्यौरा। इसलिए आप ये समझ जाइए कि जितने भी 40-45 आर्टिकल 14 के तहत हैं उन सब का फ्यूचर सेफ है, ये मैं आपको सीतापुर टीम की तरफ से बता रहा हूं। बाकी जो उन्होंने इंग्लिश में बताया वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि 14 जुलाई नेक्स्ट डेट बिफोर 6/7/2020, जो भी ब्यौरा देना है वो 6 जुलाई 2020 से पहले देना है, और टू फाइल रिप्लाई, ताकि वो फाइल कर सके सरकार। हाउ मेनी शिक्षा मित्र हैव सिक्योर्ड फ्रॉम मोर देन 40-45% द नेम्स एंड रोल नंबर ऑफ ईच कैंडिडेट्स प्रेजेंट पेंडिंग नोटिस एंड आल्सो शिक्षा मित्र होल्डिंग पोस्ट ऑफ ATRs नॉट बी डिस्टर्ब, जो ये पास हुई है 40-45 में इनको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। साथियों, इसी के साथ मैं सीतापुर टीम से, जितने भी लोग 40-45 पे हैं वो परेशान ना हो, वो अंततः आर्टिकल 14 आपको विजय दिलाएगा, आपका डाटा मांग लिया गया है।